हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे गांव में विकास यात्रा पधार रही है, जिसका नेतृत्व हमारे भूतपूर्व विधायक ममता दीदी कर रही है। उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हो इधर कुछ बच्चियां फूलों की माला तैयार कर रही है और इधर ये विकास यात्रा का। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ विकास यात्रा का कुछ पल। दशरथ ओ दशरथ, चलिए चलो 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 दूर 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 बढ़िया चलो चलो अंदर अंदर चलो साथ में भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी अधिकारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन। सभी अतिथि का होना है हमारे पुजारी वाले सरपंच साहब श्री रघुवीर सिंह जी, इधर साहब उनको याद कर रहे हैं। अरे बेटा, और पीछे बजाओ थोड़ा, चलो बजा दो तालियां। जाओ इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, हमारे पूरा नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री कमलेश जी साहब साहब आए और अपना अपना स्थान। चलिए भैया आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी बहन श्रीमती ममता मीना जी, हमारे आदरणीय एसपी साहब आरएस मीना जी, हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विकास भाई मीना जी एवं साथ में उनके प्रतिनिधि और पुष्प माला देकर उनका स्वागत करें सभी जोरदार तालियों से। दीदी का स्वागत करेंगे पट्टी पहने। उनका स्वागत करें।
हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि जी का शोक हमारे जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री सुरेश चंद्र जी भाई साहब के स्वागत के लिए और श्री तुलसीराम मीणा जी चाचा जी स्वागत करें, माला पहनाए, स्वाता बांधकर उनका स्वागत करें। सोनू भैया कहाँ है? ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के लिए जो कार्य किया जा रहा है तो बहुत सराहनीय है। और आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो प्रतिनिधियाँ हैं उनसे हम सबको अवगत कराए। आदरणीय दीदी ये सब बनाए रहो मैं दीदी से निवेदन करूंगा। दीदी जोरदार स्वागत करें आदरणीय दीदी का। अब मुझे तो भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज आपके गांव में विकास यात्रा आई है। राम देवला में आज अपना भारत बहुत आगे जा रहा है, अपना प्रदेश ही बहुत आगे जा रहा है। अग्रणी राज्यों में अपना मध्य प्रदेश आकर खड़ा हो गया। अब कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अपन आगे है। सिंचाई अपन मतलब बढ़िया खेती कर रहे हैं, उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। खेती के क्षेत्र में आगे, लेकिन और कामों में भी अपन को आगे रहना पड़ेगा।